अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। आजाद नगर की मलिन बस्ती में कई गलियों का नगर विधायक मनीष असीजा ने शिलान्यास कर शुरू कराया निर्माण कार्य। 14 लाख की लागत से कराए जा रहे सारे कार्य, कहा जनता का पैसा, पूरी गुणवत्ता से होंगे सारे कार्य। फिरोजाबाद शहर के आजाद नगर मलिन बस्ती में गलियों के निर्माण को लेकर नगर विधायक मनीष असीजा ने करीब 14 लाख की लागत से विधिवत शिलान्यास करते हुए शुभारंभ कराया। इस दौरान क्षेत्रीय नागरिकों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उनका आभार जताया। वहीं नगर विधायक मनीष असीजा ने बताया, यहां चूड़ी श्रमिक व बहुसंख्यक मलिन बस्ती है, काफी समय से यहां परेशान थे लोग। जनता का पैसा है, जनता के पैसे से सारे कार्य हो रहे हैं, कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ किए जाएंगे, कहीं कोई कमी रह जाएगी तो उसे भी पूरा कराया जाएगा। भाजपा के सम्मानित पार्षदगण, सभी जनता मौजूद है, यहां गलियों का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के बाद जनता को काफी राहत रहेगी और आगे पास में ही एके टॉकीज के पास भी 34 लाख की लागत से निर्माण कार्य शुरू हुए हैं। उनके द्वारा कराए गए शिलान्यास कार्यों की जनता ने प्रशंसा की। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। भैया सभी लोग स्वा बोलेंगे, क्यों? अग्नि देव की पत्नी का नाम स्वा है, अगर स्वा नहीं बोला तो तुमको फल नहीं मिलेगा। सभी लोग बोलेंगे ओ प्रजापति। देखिए आजाद नगर क्षेत्र में आज 14 लाख रुपए की गलियां बन रही हैं। ये जो क्षेत्र है ये चूड़ी मजदूर भाइयों के लिए बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर बहुसंख्यक श्रम पर आधारित लोगों का निवास है। इसके बाद बगल में जो एके टॉकीज है उसके पीछे विजयनगर कॉलोनी, वहाँ पर 20 लाख रुपए का काम है। इस तरह क्षेत्र में आज 34 लाख रुपए का काम है। हमारी पार्टी के सम्माननीय पार्षद, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, क्षेत्र के हमारे नए पुराने बुजुर्ग साथी, हमारे युवा साथी, सब लोग मिलकर इस काम के भूमि पूजन के वक्त उपस्थित हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से विनय पूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि ये जो काम हो रहा है ये जनता के पैसे से हो रहा है, इसके ऊपर जनता का ही अधिकार है। कोई कमी आने पर तुरंत ये हमें बताएंगे। काम की क्वालिटी जैसे घर बनता है उससे भी बेहतर बनेगी, रजिस्टर चलेगा, ठेकेदार को ये हिदायत होगी कि जो काम होगा उसका मसाला सबके सामने मिलेगा। बहुत सारे काम होने के बावजूद कुछ काम रह जाते हैं, उसके बाद उन कामों को भी लिया जाएगा, लगातार काम किया जाएगा।